अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट वजीराबाद रोड के ऊपर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो रोंग साइड पे जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो वजीराबाद रोड है असल अरसा कई साल से ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसकी जो एक साइड है वो बिल्कुल सफर के काबिल नहीं है। जो आप गाड़ियां इस टाइम देख रहे हैं ये अपनी मजबूरी की वजह से एक ही साइड पे सफर करने पे मजबूर है, रोंग साइड को जो है वो चूज कर रही है। इसे ना सिर्फ जो है वो कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं बल्कि कई अमवात भी हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है वो रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन हादसे हो रहे हैं। एक जो साइड है रोड की वो मुकम्मल तौर पर तबाह आ चुकी है। ये जो रोड है ये आप कह सकते हैं कि सियालकोट से अगर किसी ने भी जो है वो वजीराबाद जाना है तो इसी रोड का जो है वो सफर उसे करना पड़ेगा। अगर किसी ने जेलम खान या फैजाबाद इस्लामाबाद जाना है तो इसी रोड का जो है वो उसको इख्तियार करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने इस पूरे रोड का जो है वो हाल देखा और ये आज से नहीं है, कई अरसा हो गया है इसी तरह जो है वो यही हालत है इस रोड की। हुकूमत को जो है वो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि ये रोड सियालकोट का एक मेन दाखिली और खारजी रोड है। किसी ने दूसरे शहर से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना है तो यही रोड इस्तेमाल किया जाता है। सियालकोट के मुतालिक मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।